निवेदिता। पहाड़, झरने, ऊंचे ऊंचे पेड़, सर्द हवाएं और ट्रेन से यात्रा करना कितना शानदार होता है उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर शिमला या दार्जिलिंग जाते होंगे। और जो लोग जाते होंगे उनके मन में ये बात जरूर आती होगी कि काश ये नज़ारे हमारे आसपास मिलते। अगर आपने ये सोचते हुए टॉय ट्रेन का आनंद लिया है तो अब ये सच होने जा रहा है, क्योंकि शिमला और दार्जिलिंग की तर्ज पर यूपी सरकार भी टॉय ट्रेन चलाने जा रही है। हाँ, थोड़ा सा इसमें संशोधन है और वो ये कि बर्फ, सर्द हवाएं और भी बहुत कुछ तो नहीं मिलेगा इस मैदानी इलाके में, लेकिन एक बात पक्की है कि इसमें टॉय ट्रेन होगी और शानदार दृश्य होंगे और तो और पेड़ पौधे भी होंगे और आपकी टॉय होगी, बस इतना ही फर्क होगा। जी हाँ, खबरों की माने तो यूपी सरकार ने टॉय ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है और इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार टॉय ट्रेन चलाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार दुधवा और कतरनिया घाट जैसे वन्य जीव अभयारण्यों में इस तरह की ट्रेन चलाने के बारे में सरकार सोच रही है। सीएम ने आगे कहा कि हमने रेलवे को इस तरह की ट्रेन सुविधा शुरू करने के लिए आग्रह किया है, अगर रेलवे इस बारे में सोचता है तो प्रदेश सरकार पूरी मदद करेगी। राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस बार बजट में भी धनराशि आवंटित की थी। देखते हैं कि रेलवे की तरफ से क्या जवाब आता है। अगर ये सफल होता है तो आप समझिए कि दार्जिलिंग और शिमला के बाद देश की ये तीसरी ऐतिहासिक जगह होगी जहाँ पर टॉय ट्रेन चलेगी और इसका आनंद पर्यटक उठा सकेंगे। लेकिन ये अभी अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि फैसला केंद्र सरकार और रेलवे को करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है और ये खुशखबरी कब तक यूपी के लोगों तक पहुंच पाती है।